आदाब, केफ न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। औराद में भारी बारिश से लोगों को हो रही है कठिनाई। बारिश का पानी फैलने से नदी जैसा दिखा दृश्य। कर्नाटक हाईकोर्ट ने बेंगलुरु शहर की सीमा के भीतर पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध बरकरार रखा। महाराष्ट्र में आज नहीं होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। वेट एंड वॉच के मूड में बीजेपी आलाकमान। काले लिबास में संसद पहुंचे कांग्रेस के सभी सांसद। महंगाई और बेरोजगारी का कर रहे हैं विरोध। कांग्रेस के भारी विरोध प्रदर्शन के बीच राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया। छपरा के मकेर में दो लोगों की संदिग्ध मौत। कई लोगों के आंख की गई रोशनी। जहरीली शराब पीने की आशंका। अब समाचार विस्तार से। बीदर जिले के औराद बी तालुके में कल गुरुवार की शाम 4 बजे से बहुत ज्यादा बारिश होने से वड़गांव ग्राम के पुलों और ब्रिज के ऊपर से पानी बह रहा है, जिसके कारण टू व्हीलर वाहनों को और बसों को जहां गुजरने में कठिनाई हो रही है, वहीं बस और दूसरे वाहनों में यात्रा करने वाले यात्रियों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा बीदर से औराद आने वालों और औराद से बीदर या दूसरे इलाकों को जाने वालों का संपर्क टूट गया है। बारिश के कारण कई घंटों तक यात्रियों को मुश्किल का सामना करना पड़ा। बारिश का पानी खेतों और खुली जमीन में फैलने से नदी जैसा दृश्य दिखाई दे रहा है। औराद से केपी न्यूज के संवाददाता अलीम पाशा की रिपोर्ट। जमीयत उलमा चिटगुप्पा की मासिक परामर्श बैठक चिटगुप्पा के मदरसा जामिया नूरुल इस्लाम में आयोजित की गई। बैठक की कार्यवाही हाफिज बाबर पाशा रहमानी द्वारा पवित्र कुरान के पाठ के साथ शुरू हुई। जमीयत उलमा चिटगुप्पा के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद तौफीक हुसैन खासमी ने सभी उपस्थित लोगों का स्वागत किया। सैयद राशिद अली पटेल सचिव ने सैयद सरफराज हाशमी एडवोकेट और अन्य प्रतिभागियों का परिचय करवाया। संरक्षक मौलाना मोहम्मद तसद्दुक नदवी ने जमीयत उलमा चिटगुप्पा की सेवाओं और प्रदर्शन पर विस्तृत प्रकाश डाला। इस अवसर पर बीदर के एडवोकेट सैयद सरफराज हाशमी ने परामर्श बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि इस समय हम बहुत ही नाजुक स्थिति में जी रहे हैं। अगले 3 वर्षों में हमें और अधिक खतरनाक परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हम अपना काम कर रहे हैं, कानून के दायरे में रहकर करें। वर्तमान में सिविल और क्रिमिनल वकीलों की कमी है, जिसके कारण वक्फ की सारी जायदाद हमारे हाथ से जा रही है। इस अवसर पर सैयद सरफराज हाशमी एडवोकेट को जमीयत उलमा चिटगुप्पा की ओर से कानूनी सलाहकार नियुक्त किया गया। हाशमी ने हमेशा अपनी पूरी सेवाएं देने का वादा किया। इस बैठक में जमीयत उलमा चिटगुप्पा की ओर से 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सरकारी अस्पताल में रक्तदान अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। इस अवसर पर मोहम्मद निजामुद्दीन उपाध्यक्ष, मौलाना खुर्शीद आलम खासमी महासचिव, मुफ्ती अब्दुल वाजिद खासमी खजानची जमीयत उलमा तालुका चिटगुप्पा और अन्य उपस्थित थे। मौलाना मोहम्मद तसद्दुक नदवी की दुआ के बाद परामर्श बैठक सम्पन्न हुई। जमीयत उलमा तालुका चिटगुप्पा और जमीयत उलमा तालुका चिटगुप्पा के कार्यकारी सदस्य असद पटेल के सहयोग से चिटगुप्पा के ईदगाह में वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर जमीयत उलमा तालुका चिटगुप्पा के अभिभावक मौलाना तसद्दुक नदवी, जमीयत उलमा तालुका चिटगुप्पा के अध्यक्ष मौलाना तौफीक हुसैन खासमी, महासचिव मौलाना खुर्शीद आलम खासमी, मुफ्ती सैयद अब्दुल वाजिद खासमी खजानची, इस्माइल लाठोड़ी, मोहम्मद तहसीन नागौरी, अख्तरुद्दीन खतीब, हाफिज मजहर, असद पटेल, बीजेपी नेता मल्लिकार्जुन पाटिल, मोहम्मद हबीब काउंसलर, अब्दुल खदीर उपस्थित थे। कर्नाटक हाईकोर्ट ने बेंगलुरु शहर की सीमा के भीतर पटाखों की बिक्री के लिए जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस लेने के पुलिस विभाग के फैसले को बरकरार रखा है। संभावत पहली बार फैसले के पन्नों में पटाखों से घायल हुए लोगों की तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया है। इनमें उन युवाओं और बच्चों की तस्वीरें हैं जिनकी पटाखों की चोटों के कारण आँखों की रोशनी चली गई थी। हाईकोर्ट ने फैसले में कहा कि इससे संविधान के निर्माताओं की रूह अपनी कब्र में कांप जाएगी। जीवन अंग भंग और स्वतंत्रता के अधिकार का इससे बड़ा उल्लंघन नहीं हो सकता है। महाराष्ट्र कैबिनेट का विस्तार अगले सोमवार तक टल गया है। चर्चा थी कि आज शाम तक कैबिनेट का विस्तार नामों पर सहमति बनने के बाद हो सकता है, लेकिन अब इसे सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को होने वाली सुनवाई तक टाल दिया गया है। राज्य सरकार फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में है। मिली जानकारी के अनुसार बीजेपी की ओर से कैबिनेट विस्तार को अभी तक हरी झंडी नहीं मिली है।
महंगाई, बेरोजगारी और गलत नीतियों के खिलाफ कांग्रेस आज देशव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रही है। राष्ट्रीय राजधानी से लेकर देश के विभिन्न राज्यों में कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता प्रदर्शन करते दिख रहे हैं। सभी अपने अंदाज में केंद्र सरकार का विरोध कर रहे हैं। इसी क्रम में राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी महंगाई और बेरोजगारी का अनोखा अंदाज में विरोध करते दिखे। मानसून सत्र चालू होने के कारण वे शुक्रवार को राज्यसभा पहुंचे, हालांकि इस दौरान वे काले लिबास में दिखे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता काले रंग का कुर्ता पहने राज्यसभा पहुंचे। उन्होंने सिर पर काले रंग की पगड़ी भी बांध रखी थी। उनके साथ ही अन्य सांसद भी काले रंग के कपड़े में दिखे। इन सांसदों में रंजीत रंजन भी शामिल थे। कांग्रेस पार्टी देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आज पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली में भारी विरोध प्रदर्शन के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इनके अलावा शशि थरूर और सचिन पायलट समेत कांग्रेस के अन्य नेताओं को भी हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लिए जाने से पहले विजय चौक पर राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस के सभी सांसद महंगाई के मुद्दे को लेकर राष्ट्रपति भवन की ओर मार्च कर रहे थे, लेकिन हमें यहाँ से आगे नहीं जाने दे रहे हैं। हमारा काम लोगों के मुद्दों को उठाना है। कुछ सांसदों को हिरासत में ले लिया गया है और पीटा भी गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंची थीं। इस दौरान जब उन्हें आगे बढ़ने से रोका गया तो वो बैरिकेड्स लांग कर आगे बढ़ गईं। उसके बाद सड़क पर ही धरने पर बैठ गईं। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड डीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482127। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट धुनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाए। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें kpnews247@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088830876 9945283920। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहाँ घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियाँ, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए
आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड एंड ग्लास सेंटर पार्वती कॉम्प्लेक्स बीवीबी कॉलेज रोड बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। अगर आप हज या उमरा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आइए। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उमरा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स हज एंड उमरा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर हैदराबाद। फोन नंबर्स 0402456 5786 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए हुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स हज एंड उमरा ग्रुप हैदराबाद। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आँखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 और 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स बिदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहु उपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल इस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148, 08482227010। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है, आइए देखते हैं आगे के समाचार। शामली के कैराना में टंकी निर्माण कार्य को रुकवा जाने को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने मौजूदा प्रधान पर पथवाड़े की जमीन में टंकी निर्माण कार्य कराए जाने का आरोप लगाया है। दरअसल यही मामला शामली जनपद के कैराना क्षेत्र के गांव रामड़ा का है, जहां से दर्जनों ग्रामीण कैराना तहसील मुख्यालय पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रदर्शन करते हुए कैराना तहसीलदार प्रियंका जायसवाल को ये ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि गाँव रामड़ा में पथवाड़ा की जमीन में मौजूदा प्रधान पानी की टंकी का निर्माण कार्य करवा रहा है, जिसके कारण ग्रामीणों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि ग्राम प्रधान को पथवाड़ा की जमीन में निर्माण कार्य ना करवा के गांव में और भी सरकारी जमीन पड़ी है, जिसमें ग्राम प्रधान टंकी का निर्माण कार्य करवा सकता है, जिससे ग्रामवासियों को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, जिसको लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए तहसीलदार को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है। जनपद शामली, उत्तर प्रदेश से केपी न्यूज के संवाददाता आजाद खान की रिपोर्ट।
सर आपका? मेरा नाम मोमिन है जी। मोमिन जी कहाँ से हैं? मैं निवासी गांव रामड़ा का हूँ जी। अच्छा, अभी आप तहसील में आए हैं, प्रदर्शन किया है, ज्ञापन भी दिया है, क्या प्रॉब्लम ये है जी? हमारे यहाँ पथवाड़े की जगह है, उसमें जो वर्तमान प्रधान है वो कुछ लोगों ने वोट नहीं दिए, इसमें ज़बरदस्ती कर रहा है कि इसमें टंकी का निर्माण हो, जिसमें कि हमारे पास सदर में ज़मीन बची हुई है, नवीन पट्टी की ज़मीन है, हमने उसकी नकल भी दी है भाई, उसको हटा के खड्डे में जो पथवाड़े की जगह ना उसको छोड़ के अब जो हमारे पास सरकारी भूमि है दूसरी जगह उसमें लगा दी जा। तो वहाँ पे क्या दिक्कत है टंकी का? जहाँ वो निर्माण कर रहे हैं वहाँ तो लोगों के पथवाड़े हैं, लोग कुरूड़ी डालते हैं, वो कहाँ डालेंगे, उनको परेशानी हो रही, गरीब लोग हैं। सड़कों पर गिर रहे सर वहाँ, ये सभी ग्रामीणों को दिक्कत? हाँ, ये सभी ग्रामीण जितने उसमें उस नंबर में आते हैं, जो 360 नंबर है, जो पथवाड़े का नंबर है। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं उसको हटा के, जो हमारा सरकारी नंबर है 367, उसमें 1550 मीटर भूमि है, उसमें आप निर्माण करें। छपरा के सारण जिले में एक बार फिर दो लोगों की संदिग्ध मौत हो जाने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार मकेर के भाता फुलवारिया और परसा में दो लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि अब तक 10 लोग गंभीर रूप से बीमार हैं। इनमें कई लोगों के आंख की रोशनी खत्म हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंच गई और गांव से प्रभावित लोगों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया है। पीड़ित लोगों की आंख की रोशनी कम हो गई है। स्थिति अधिक खराब होने के बाद दो लोगों को इलाज के लिए PMCH में भर्ती किया गया है। वहाँ बताया जा रहा है कि 11 और लोग इलाज के लिए इस PMCH जा सकते हैं। अस्पताल में आए लोगों ने बताया कि गांव में पूजा थी और इसी दौरान शराब लाकर कई लोगों ने सेवन किया था, जिसमें अधिकांश लोगों की तबीयत बिगड़ गई है और दो लोगों की मौत हो गई है। वहीं अस्पताल में पुलिस भी पहुंच गई और पीड़ित कई लोगों से पूछताछ की है। हालांकि अभी तक इस मामले को लेकर अधिकारी की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। कब लगेगा अंकुश, दोषी कौन, जनता या प्रशासन या सरकार? रोते बिलखते परिवार, जिनकी आंखों की रोशनी चली गई, जिनके परिवार उजड़ गए, वाकई लापरवाही किस में? शराबबंदी कानून बिहार में लागू है, आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं। छपरा से केपी न्यूज़ के संवाददाता संत कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। घरेलू उड़ानों में सिख यात्रियों को कृपाण की इजाज़त के खिलाफ हिंदू सेना की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता इस मामले को लेकर हाईकोर्ट जा सकते हैं। हिंदू सेना का कहना था कि इस तरह की इजाज़त विमान में यात्रा करने वाले दूसरे यात्रियों के लिए खतरा बन सकती है। दरअसल हिंदू सेना ने सिख यात्रियों को घरेलू उड़ानों में कृपाण ले जाने की अनुमति देने के ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के फैसले को चुनौती दी थी। बता दें कि कृपाण एक घुमावदार खंजर है, जिसे सिख धर्म में शरीर के बगल में पहना जाना है। 4 मार्च के आदेश में BCAS ने कहा था कृपाण केवल एक सिख यात्री अपने साथ ले जा सकता है, बशर्ते ब्लेड की लंबाई 6 इंच से अधिक ना हो और कुल लंबाई 9 इंच से अधिक ना हो। भारत के भीतर भारतीय विमानों में हवाई यात्रा करते समय कृपाण की अनुमति है। उत्तर प्रदेश के जनपद संभल के गन्नौर कोतवाली क्षेत्र के गंगा घाट राजघाट में देव प्रतिमा तोड़ने का मामला सामने आया है, जहां शरारती तत्वों ने गंगा घाट पर भगवान विष्णु के मंदिर में विष्णु और लक्ष्मी जी की देव प्रतिमाओं को तोड़ दिया। घटना के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई। मंदिर के महंत बाबा श्याम गिरी ने बताया कि इस घटना को देखा और स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई और सूचना पाते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। इस संबंध में अज्ञात में तहरीर दी जा रही है। वहीं स्थानीय लोगों के अनुसार घटना दिन में किसी समय होने का अनुमान है। मंदिर के सेवादार राम कुमार ने बताया कि ताला टूटा हुआ था और मूर्ति खंडित थी, जिसको लेकर गुन्नौर पुलिस को भी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि अज्ञात लोगों की तलाश में जुट गई है और जल्दी ही उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मूर्ति खंडित करने वालों को तलाश कर रही है। गुन्नौर पुलिस देखने की बात यह है कि क्या पुलिस आरोपियों को पकड़ने में सफल होगी। मंदिर के महंत श्याम गिरी ने इस संबंध में बताया। संभल से केपी न्यूज़ का संवाददाता रजा हुसैन की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? महंत श्याम गिरी। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? कौन से घाट पर? मंदिर में ही रहते हैं, गंगा किनारे राजघाट। अच्छा, यहाँ मूर्ति खंडित हुई है, क्या है पूरा मामला? मैं अभी सफाई करने आया तब देखा कि मूर्ति टूटी हुई पड़ी है, ताला भी टूटा हुआ है। अच्छा, ये पता है कितने बजे की बात है? ये नहीं पता कितने बजे की बात है, मैं तो उधर रहा ना ऊपर,
अब यहाँ तो रात में तो निकलते नहीं कि कब क्या हुआ, जबकि यहाँ आदमी हमेशा रहते हैं, दो चार दुकानदार रहते हैं, वैसे रहते हैं, वो बाबा जी नीचे बैठे रहते हैं। पुलिस थी क्या है रात में? है? रात में पुलिस रह रही थी? पुलिस क्या, पुलिस तो अपना कष्ट में आती है, वो पीएससी रहती है धर्मशाला में। जनपद मुरादाबाद में वाल्मीकि समाज के साथ उत्पीड़न एवं शोषण तथा मारपीट के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताज़ा मामला झाझनपुरा का सामने आया है, जहां पर वाल्मीकि समाज के कर्मचारी बबलू के साथ दबंगों ने पहले अभद्र भाषा का प्रयोग किया और उसके साथ ही जमकर मारपीट की गई और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। सिविल लाइन थाने पर इस संबंध में तहरीर भी दी गई, लेकिन थाने पर दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसको लेकर भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज से जुड़े तमाम पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं में रोष उत्पन्न है। उनका आरोप है कि 24 घंटे बीत जाने के बाद भी अपराधी अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। इस मामले में जानकारी देते हुए भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्ला बाबू द्रविड़ ने बताया कि झाझनपुर में उनके कर्मचारी बबलू ने हर प्रकाश का मलबा उठाने से मना किया था, जिसको लेकर हर किशोर ने विरोध जताते हुए, बबलू की नगर निगम में सफाई कर्मचारी हैं, आरोप है दबंग व्यक्ति हर प्रकाश व उसके परिवार के लोगों ने कर्मचारी बबलू के साथ जमकर मारपीट की, जिसमें उसे काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं। सिविल लाइन थाने पर इस संबंध में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई, लेकिन 24 घंटे के बीच जाने के बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। मुरादाबाद से केपी न्यूज़ का संवाददाता आलम वारसी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मुझे लल्ला बाबू द्रविड़ कहते हैं साहब जी। लल्ला बाबू जी, आपके कर्मचारी के साथ एक घटना हुई है, क्या घटना हुई है? देखिए, झाझनपुर माता मंदिर से आगे हर प्रसाद जी का मकान है, वहाँ पर कट्टों में मलबा भरा हुआ रखा था, कर्मचारियों से जबरदस्ती उठवाने की कोशिश की। जब कर्मचारियों ने मना करा कि हम सड़क का और नाली का कूड़ा उठा सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे बाप को भी उठाना पड़ेगा, और बबलू कर्मचारी को, सभी कर्मचारियों से भिड़ गए और मारपीट की। बबलू कर्मचारी घायल हो गया है। कल ही हमने इस घटना की रिपोर्ट और तहरीर मेडिकल संबंधित थाना सिविल लाइन में दे दी, और इंचार्ज हरतला चौकी वालों को भी अवगत करा दिया गया है, लेकिन अभी कोई कार्रवाई पुलिस ने नहीं की है। इसमें पूरे समाज में रोष है, पूरे कर्मचारियों में रोष है। आए दिन ये घटनाएँ बढ़ रही हैं सफाई कर्मचारियों में, नगर निगम कर्मचारियों में, जिससे पूरे समाज में अधिक रोष है, और हम 24 घंटे के अंदर अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम जाके पूरे थाने पर टिलारियों में कूड़ा भरकर धरना देंगे। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। औराद में भारी बारिश से लोगों को हो रही है कठिनाई, बारिश का पानी फैलने से नदी जैसा दिखा दृश्य। कर्नाटक हाईकोर्ट ने बेंगलुरु शहर की सीमा के भीतर पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध बरकरार रखा। महाराष्ट्र में आज नहीं होगा मंत्रिमंडल का विस्तार, वेट एंड वॉच के मूड में बीजेपी आलाकमान। काले लिबास में संसद पहुंचे कांग्रेस के सभी सांसद, महंगाई और बेरोजगारी का कर रहे हैं विरोध। कांग्रेस के भारी विरोध प्रदर्शन के बीच राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया। छपरा के मकेर में दो लोगों की संदिग्ध मौत, कई लोगों के आंख की गई रोशनी, जहरीली शराब पीने की आशंका। केपी न्यूज़ में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़ 24/7। धन्यवाद।